नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडियन पॉलिटी की क्लास में। तो आज हमारी चर्चा का विषय होने वाला है राज्य कार्यपालिका। अभी तक हमारी चर्चा राज्य कार्यपालिका पर जारी है। राज्य कार्यपालिका के चैप्टर में सबसे पहले आपने राज्यपाल को पढ़ा, फिर राज्यपाल पद के महत्व और उस पद से संबंधित विवादों के बारे में समझने की कोशिश किया। राज्यपाल पद मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। अक्सर राज्यपाल के पद से मेंस में क्वेश्चंस पूछा जाता रहा है, तो आप इसे बेहतर ढंग से तैयार करें क्योंकि ये आपकी परीक्षा के लिए बेहतर हो सकता है। तो हमारी चर्चा चल रही है राज्य के बारे में, स्टेट के बारे में। स्टेट जिसकी चर्चा संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 152 से 237 के अंतर्गत राज्य की चर्चा की गई है। जहां हम अगर राज्य कार्यपालिका की बात करें, स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करें, तो स्टेट एग्जीक्यूटिव की चर्चा अनुच्छेद 152 से 167 के बीच किया गया है। राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत 4 पदों के बारे में हमें जानना है। राज्यपाल, राज्य मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता। राज्यपाल के बारे में चर्चा हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। हमारी चर्चा का विषय होने वाला है राज्य की मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री और केंद्र में महान्यायवादी के तर्ज पर राज्यों में जो महाधिवक्ता का पद है उसके बारे में हम जानेंगे। राज्य मंत्री परिषद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 163 के अंतर्गत किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री पद की चर्चा अनुच्छेद 164 में और महाधिवक्ता की चर्चा अनुच्छेद 165 के अंतर्गत किया गया है, यानी आर्टिकल 165 के अंतर्गत महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल पोस्ट की चर्चा किया गया है। तो आज हम इन तीनों पे चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत राज्य मंत्री परिषद से करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, राज्य मंत्री परिषद की चर्चा अनुच्छेद 163 में किया गया है। राज्य में भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और संसदीय शासन प्रणाली में दो प्रधान होता है। एक राज्यपाल है जो कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान है। वहीं दूसरा पद है मुख्यमंत्री का, और मुख्यमंत्री वास्तविक प्रधान है, सरकार का प्रधान है। और अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री जो है, गौर से सुनना, मुख्यमंत्री जो है वो राज्य मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। राज्यपाल जो कि नाम मात्र का प्रधान है, अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद के सलाह एवं परामर्श के अनुसार करता है। तो राज्य मंत्री परिषद की चर्चा आर्टिकल 163 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 163 में राज्य मंत्री परिषद का उल्लेख किया गया है। इसे हम कहते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। राज्य मंत्री परिषद, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो, दो आर्टिकल है। एक आर्टिकल 163 का क्लाउज 1 है और एक 163 का क्लाउज 2 है। ये केंद्रीय मंत्री परिषद से मिलती जुलती संरचना है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्री परिषद के सलाह एवं परामर्श पर करता है, तथा मंत्री परिषद द्वारा राष्ट्रपति को दिए गए सलाह की जांच किसी भी न्यायालय के द्वारा नहीं की जा सकती है, कुछ इसी आधार पर राज्यों में भी व्यवस्था किया गया है, जहां राज्य में भी मंत्री परिषद है। और आर्टिकल 163 का क्लाउज 1 कहता है कि राज्यपाल को उसकी शक्तियों के प्रयोग हेतु सलाह एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, यानी कि एक स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा।
और यह भी बताता है कि इस मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होगा। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा, चीफ मिनिस्टर होगा। और राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम करेगा। हाँ, अपवाद है विवेकाधिकार की शक्ति, डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशनरी विवेकाधिकार का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब क्या होता है? वे सभी शक्तियां विवेकाधिकार शक्ति कहलाती हैं जिनके प्रयोग करने हेतु राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के सलाह की आवश्यकता नहीं होती है। उसे विवेकाधिकार की शक्ति कहा जाता है। और विवेकाधिकार की शक्ति की जब बात आती है तो उसमें वो मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य नहीं करेगा और बाकी सभी कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग हेतु जो राज्यपाल है वो किसके सलाह पर काम करेगा, तो वो मंत्रिपरिषद के सलाह और परामर्श के अनुसार कार्य करेगा। और मंत्रिपरिषद के द्वारा राज्यपाल को जो सलाह दिया जाएगा उस सलाह की जांच न्यायपालिका द्वारा नहीं किया जा सकता है, इस पर रोक लगाया गया है। यानी क्या सलाह दिया गया इसकी जांच नहीं किया जाएगा। हाँ, राज्यपाल अगर किसी मुद्दे पर, किसी मामले पर कोई निर्णय करता है तो उसकी जांच किया जा सकता है, यानी कार्यपालिका के आदेश की जांच न्यायपालिका के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन राज्य मंत्री परिषद राज्यपाल को उसके शक्तियों के प्रयोग हेतु क्या सलाह दे रहा है इसकी जांच न्यायपालिका के द्वारा नहीं किया जा सकता है, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 163(1) के अंतर्गत राज्य मंत्री परिषद की चर्चा किया गया है। अब यहां पे समझिए, इस संबंध को समझिए जो कि इस संबंध से आप ऑलरेडी वाकिफ हैं, कि राज्यपाल जो केवल और केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रधान है, संवैधानिक प्रमुख है, जबकि वास्तविक प्रमुख तो राज्य मंत्री परिषद है। वास्तविक कार्यपालिका कौन है? जैसे आप यहां देखो, राज्यपाल क्या है, राज्यपाल नाम मात्र की कार्यपालिका है। नाम मात्र कार्यपालिका है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, जबकि राज्य मंत्री परिषद ये वास्तविक कार्यपालिका है, रियल एग्जीक्यूटिव है। वास्तविक कार्यपालिका है तो राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करेगा? सिंपल सी बात है, राज्य मंत्री परिषद के सलाह एवं परामर्श के अनुसार कार्य करेगा। हाँ, अपवाद जरूर है और वो अपवाद है विवेकाधिकार की शक्ति। विवेकाधिकार की शक्ति, और विवेकाधिकार दो प्रकार का है, संवैधानिक विवेकाधिकार और विवेकाधिकार शक्ति डिस्क्रिशनरी पावर। यानी विवेकाधिकार के मामलों पर राज्यपाल मंत्री परिषद के अनुसार सलाह, मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार कार्य नहीं करेगा और बाकी सभी मामलों पर मंत्री परिषद के सलाह और परामर्श के अनुसार कार्य करेगा। यही व्यवस्था किया गया है और यही संबंधों को आप यहाँ भी देख सकते हो कि राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच संबंध क्या होता है। देखो, अनुच्छेद 154 बताता है कि राज्य कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें केंद्रित होगी, राज्यपाल में केंद्रित होगी, और राज्यपाल अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। लेकिन आर्टिकल 154 अगर अकेले पढ़ते हैं तो मामला ठीक से समझ में नहीं आता, इसके लिए हमें आर्टिकल 163 भी पढ़ना पड़ता है। और जब हम आर्टिकल
163 को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि जो राज्यपाल है, जो गवर्नर है, वो अपनी शक्तियों का प्रयोग किसके सलाह और परामर्श पे करेगा? तो राज्य मंत्री परिषद के सलाह और परामर्श पर करेगा। राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। हाँ, अपवाद केवल है विवेकाधिकार की शक्ति। लेकिन साथियों, एक बात आपको स्पष्ट होना चाहिए, वो बात ये है कि केंद्र में तो राष्ट्रपति को मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार कार्य करने को संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से बाध्य बना दिया गया है। जैसे 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के माध्यम से राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देने के लिए बाध्य बना दिया गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से राष्ट्रपति को मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार कार्य करने को बाध्य बनाया गया। हालांकि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ये प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, यानी कि रिकंसिडरेशन के लिए लौटा सकता है। लेकिन अगर मंत्री परिषद पुनर्विचार के पश्चात सलाह राष्ट्रपति के पास भेजती है, तब राष्ट्रपति सलाह को मानने के लिए क्या होगा? बाध्य होगा। तो केंद्र में राष्ट्रपति के लिए तो बाध्यता की बात किया गया है, परंतु राज्य में राज्यपाल के लिए ऐसी कोई बाध्यता की बात नहीं किया गया। और दूसरा, राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की तुलना में अधिक विवेकाधिकार की शक्ति है। जैसे राष्ट्रपति केवल प्रस्थिति जन विवेकाधिकार की शक्ति का उपयोग करता है, जबकि राज्यपाल संवैधानिक और प्रस्थिति जन दोनों प्रकार की विवेकाधिकार शक्ति का उपयोग करता है। और इसीलिए राज्य में एक चुनौती हो जाता है कि क्या राज्यपाल स्वतंत्र रूप से भी काम करेगा, और जिसको लेकर के जब राज्यपाल अपनी विवेकाधिकार की शक्तियों का प्रयोग करता है या तो कई शक्तियों का प्रयोग अपने ढंग से कर रहा होता है, तो यह राज्य में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच शक्ति संघर्ष की स्थिति को भी जन्म देता है। यानी कि राज्यपाल का पद विवादों के घेरे में आ जाता है, क्योंकि देखो ये तो राज्य में ये व्यवस्था किया नहीं गया है कि राज्यपाल राज्य मंत्री परिषद के अनुसार सलाह के राज्यमंत्री परिषद के सलाह के अनुसार कार्य करने को बाध्य होगा। बाध्यता की व्यवस्था नहीं की गई है। लेकिन हालांकि ये समझना चाहिए कि राज्यों में केंद्र के तर्ज पर ही संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। जब राज्यों में केंद्र के तर्ज पर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, और जिस प्रणाली के अंतर्गत जो राज्यपाल है वो तो केवल और केवल नाम मात्र का प्रधान है, केवल और केवल नॉमिनल हेड है, जबकि वास्तविक प्रधान तो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और इस लिहाज से राज्यपाल को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद के परामर्श पर कार्य करना चाहिए। ये अपेक्षा किया जाता है किससे? राज्यपाल से, कि राज्यपाल को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद के सलाह और परामर्श पर काम करना चाहिए। चूंकि मुख्यमंत्री वास्तविक प्रधान होता, जबकि राज्यपाल केवल नाम मात्र का प्रधान होता है, वो केवल और केवल नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है। क्या होता है? केवल नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है। ये बात ध्यान रखना है, समझिए। यहां पे देखो, अब सवाल ये है कि मंत्री परिषद के द्वारा जो राज्यपाल को सलाह दिया जाता है, जो परामर्श दिया जाता है, उसकी प्रकृति क्या है? ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि आर्टिकल 163 कहता है कि राज्यपाल को उसके शक्तियों के प्रयोग हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद क्या करेगी? सलाह और परामर्श देगी। अपवाद है विवेकाधिकार की शक्ति। परंतु यहां समझने वाली बात है, मान लो कि यह कोई प्रश्न उठ जाता है, और प्रश्न ये है कि कोई मामला राज्यपाल के विवेकाधिकार की शक्ति के अंतर्गत आता है या नहीं आता है, ये एक विवाद उभर कर आता है। विवाद क्या है? विवाद यह है कि कोई शक्ति जो है, कोई मामला राज्यपाल के विवेकाधिकार, कोई मामला राज्यपाल के विवेकाधिकार के अंतर्गत आता है या नहीं आता।
तो इस मामले में राज्यपाल का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा। और अगर राज्यपाल ने यह निर्णय कर लिया कि वह मामला उसके विवेकाधिकार की शक्ति के अंतर्गत आता है, तो फिर उसकी जांच किसी न्यायालय के द्वारा नहीं किया जाएगा, वो अंतिम माना जाएगा, है ना। राज्यपाल का निर्णय ही क्या माना जाएगा, अंतिम माना जाएगा। और वैसे तो मंत्रिपरिषद द्वारा जो राज्यपाल को दिया गया सलाह, उसकी भी जांच उच्च न्यायालय के द्वारा नहीं किया जा सकता, किसी न्यायालय के द्वारा नहीं किया जा सकता। और यही जो शक्तियों का अस्पष्ट व्याख्या है, कहीं ना कहीं राज्यपाल को मनमाने ढंग से कार्य करने को अधिकृत कर देता है। क्योंकि यहां पे सवाल आया ना कि वैसे तो ये कह रहा है कि राज्यपाल नाम मात्र की कार्यपालिका है, वो वास्तविक कार्यपालिका की सलाह और परामर्श पर काम करेगा, लेकिन अगर कोई मामला ये उठता है कि वो मामला राज्यपाल के विवेकाधिकार की शक्ति के अंतर्गत आता है या नहीं, तो इस मामले में अंतिम निर्णय राज्यपाल करेगा। और आपको पता होना चाहिए कि राज्यपाल अपनी विवेकाधिकार की शक्ति के प्रयोग हेतु मंत्री परिषद के सलाह एवं परामर्श के अनुसार कार्य करने को बाध्य नहीं है, है ना। क्योंकि विवेकाधिकार की शक्ति के प्रयोग हेतु वो मंत्री परिषद के सलाह पर निर्भर नहीं करता है, वो स्वयं अपने विवेक के अनुसार काम करता है। और राज्यपाल कभी कभी यह देखने को मिलता है कि इसी का फायदा उठाता है और वो मुख्यमंत्री को नियंत्रित करने की कोशिश करता है केंद्र के आदेशानुसार, और वही राज्यपाल पर आरोप लगता है कि राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के बजाय, राज्य के संवैधानिक प्रमुख के बजाय, वह केंद्र के अभिकर्ता यानी एजेंट के तौर पर कार्य करता है। तो ये राज्यपाल के बारे में है। देखो, इस स्पष्टीकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कई निर्णय दिया। जैसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन आया 1971 में, और 1971 में क्या डिसीजन आया, राज्यपाल को परामर्श देने हेतु मंत्री परिषद का अस्तित्व में होना हमेशा जरूरी है ना। राज्यपाल को परामर्श देने हेतु मंत्री परिषद का अस्तित्व में होना हमेशा जरूरी है, इवन इफ यदि मंत्री परिषद ने अगर त्यागपत्र दे दिया हो या राज्य विधानसभा का विघटन हो गया हो, तब भी राज्यपाल को परामर्श देने हेतु मंत्री परिषद का अस्तित्व में होना जरूरी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा मंत्री परिषद के सलाह के बिना, मंत्री परिषद के सलाह के बिना राज्यपाल द्वारा लिया गया निर्णय के बिना राज्यपाल द्वारा लिया गया निर्णय असंवैधानिक होगा। क्या होगा? असंवैधानिक होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। असंवैधानिक होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, यानी कि मंत्री परिषद का अस्तित्व में होना हमेशा जरूरी है, क्योंकि मंत्री परिषद ही वास्तविक कार्यपालिका है। राज्यपाल नाम मात्र की कार्यपालिका है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। इसलिए राज्यपाल को अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग विवेकाधिकार मामलों को छोड़कर मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार ही करना चाहिए, और अगर ऐसा वो नहीं करता है तो वो असंवैधानिक होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, इलीगल होगा, नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने 1971 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। इसका मतलब ये है कि मान लो कि मंत्री परिषद ने त्यागपत्र दे दिया हो, ये तो स्थितियां बनी सकती हैं, और या तो राज्य विधानसभा का विघटन हो गया हो, तब तो उस स्थिति में एक शब्द आता है जिसे कहते हैं कार्यवाहक केयर टेकर गवर्नमेंट, कार्यवाहक सरकार, है ना। इसको कहते हैं केयर टेकर गवर्नमेंट। केयर टेकर गवर्नमेंट,
कार्यवाहक सरकार, ठीक है। तो ये जो कार्यवाहक सरकार जो होता है, जो केयर टेकर गवर्नमेंट होता है, उसके राज्यपाल नियुक्ति करते हैं। देखो, या तो मान लो कि अगर मंत्री परिषद ने त्याग पत्र दे दिया, तो राज्यपाल मंत्री परिषद से अनुरोध करते हैं कि वो सरकार में बने रहे, तब तक जब तक कि नए मंत्री परिषद का गठन नहीं करा लिया जाता है। और अगर मान लो कि वो बना नहीं रहता है, तो फिर वो कार्यवाहक सरकार की नियुक्ति करते हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट की नियुक्ति करते हैं, किसी को भी मुख्यमंत्री नियुक्त कर देंगे और फिर उसके सलाह के अनुसार काम करते रहेंगे। हाँ, अगर कार्यवाहक सरकार के पास बहुमत नहीं है, जो स्वाभाविक है कि नहीं होगा, तो इस सरकार के सलाह को मानने के लिए वो बाध्य नहीं है, लेकिन हाँ, करेंगे उसी के परामर्श के अनुसार कार्य करेंगे। वो मना भी कर सकते कि नहीं, दूसरा सलाह दो। 1974 में ये डिसीजन आया कि विवेकाधिकार शक्ति के अलावा राज्यपाल मंत्री परिषद के सलाह एवं परामर्श के अनुसार कार्य करने को बाध्य होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में डिसीजन दिया कि राज्यपाल मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार कार्य करने को बाध्य है, ताकि जो राज्यपाल के द्वारा मनमानापन शक्ति का प्रयोग किया जाता था, उसको दूर किया जा सके। तो ये राज्यपाल और राज्य मंत्री परिषद के बीच संबंध है। आर्टिकल 166 को ध्यान रखना, ये बेसिकली यह प्रावधान करता है, इसकी चर्चा मैंने पहले भी किया है, कि राज्य सरकार के जो सभी कार्यकारी निर्णय हैं, वो राज्यपाल के नाम से लिया जाता, क्योंकि तो राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, इसीलिए। दूसरा, राज्यपाल मंत्रियों के बीच कार्यों के आवंटन हेतु और राज्य सरकार के कार्यों के निर्वहन हेतु नियम बनाएगा, ये काम राज्यपाल करता है। हालांकि मंत्रियों के बीच मंत्रालय का आवंटन मुख्यमंत्री करेगा, यह मुख्यमंत्री का पूर्ण विशेष अधिकार है, परंतु मंत्रालयों के आवंटन हेतु नियम और राज्य सरकार का कार्य आसानी तरीके से चलाया जा सके, सुलभ तरीके से चलाया जा सके, इसके लिए राज्यपाल के द्वारा नियम बनाए जाते हैं। और राज्य सरकार का सभी निर्णय किसके नाम से होगा? राज्यपाल के नाम से, क्योंकि राज्यपाल ही राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख है, हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव है। इसके अलावा है आर्टिकल 167, जो कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। और राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच आप देखोगे तो जो संदेश वाहक है, संदेश वाहक जो है वो कौन है? संदेश वाहक वो है सीएम। और सीएम बेसिकली क्या कर रहा होता है? तो सीएम राज्यपाल और राज्य मंत्री परिषद के बीच संबंध की कड़ी है। ये कौन है? राज्यपाल ब राज्य मंत्री परिषद। राज्यपाल व राज्य मंत्री परिषद के बीच संबंध की कड़ी है। संबंध की कड़ी है किसके किसके बीच में? राज्यपाल के बीच में है और राज्य मंत्री परिषद के बीच संबंध की कड़ी है। यानी मुख्यमंत्री जो है, मंत्री परिषद के निर्णयों के बारे में राज्यपाल को अवगत कराएगा। मंत्री परिषद जो भी प्रशासनिक निर्णय लेता है, राजनीतिक निर्णय लेता है, उसके संबंध में राज्यपाल को अवगत कौन कराएगा? मुख्यमंत्री करवाएगा। दूसरा ये है, अगर राज्यपाल मुख्यमंत्री से मंत्री परिषद के निर्णयों के बारे में सलाह मांगता है, तो मुख्यमंत्री मंत्री परिषद के निर्णयों के बारे में किसको जानकारी उपलब्ध कराएगा? राज्यपाल को उपलब्ध कराएगा। यानी राज्यपाल के द्वारा अगर मुख्यमंत्री से मंत्री परिषद के निर्णय के बारे में जानकारी मांगा जाए, तो वो जानकारी उपलब्ध कराएगा। अगर राज्यपाल मुख्यमंत्री को निर्देश देता है कि मंत्री परिषद के समक्ष लंबित मामलों को डिस्कशन के लिए रखवाए, तो ये काम कौन करेगा? सीएम करेगा। और इस प्रकार से राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच संदेश वाहक मंत्री परिषद के संबंध की कड़ी कौन है? तो वो राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच मुख्यमंत्री है, और यही मुख्यमंत्री का कर्तव्य भी है। नेक्स्ट है,
मंत्री परिषद की संरचना, स्ट्रक्चर क्या है मंत्री परिषद का, तो इसके सदस्य मुख्यमंत्री और मंत्री हैं, सिंपल। अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, मंत्री वही होंगे तीन प्रकार के, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और उपमंत्री। उपमंत्री, इन मंत्रियों के बारे में तो हमने ऑलरेडी डिटेल से केंद्रीय मंत्री परिषद के अंतर्गत पढ़ा और समझा है। कैबिनेट मंत्री, आपको पता है कि यह मंत्रालय का अध्यक्ष होता है। मंत्रालय का अध्यक्ष होता है और सीधे ये सीएम को रिपोर्ट करेगा, है ना। और यही जो कैबिनेट मंत्री है, जैसे यहां पे देखो मंत्रियों का स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है। यहां पे सबसे पहले आप देखोगे तो मुख्यमंत्री है, आपको पता है जो मुख्यमंत्री का कौन होता है, तो यह मंत्री परिषद व मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। मंत्री परिषद व मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल का अंतर भी आपको स्पष्ट है। मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, जो कैबिनेट मंत्री होता है यह मंत्रालय का अध्यक्ष होता है। मंत्रालय का अध्यक्ष होता है, कैबिनेट का सदस्य होता है, यानी कि मंत्रिमंडल का मेंबर होता है। कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, है ना। ये अगर इसके बारे में बात किया जाए तो ये सीधे रिपोर्ट किसको करेगा, ये सीधे रिपोर्ट करता है सीएम को। सीएम को रिपोर्ट करता है। और जब ये कैबिनेट मंत्रिमंडल का सदस्य है तो स्वाभाविक है कि यह कैबिनेट मीटिंग में भाग लेगा। कैबिनेट मीटिंग में भाग लेता है। तो ये तो कैबिनेट मंत्री के बारे में है। दूसरा है राज्य मंत्री या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो राज्य मंत्री की अगर मैं बात करूं तो राज्य मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होगा। पहली बात, राज्य मंत्री जो होता है ये रिपोर्ट करता है किसको, कैबिनेट मंत्री को। कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करता है, सिंपल सी बात है। और ये भी ध्यान रखना, ये क्या होता है, तो ये विभाग का अध्यक्ष होता है, मंत्रालय के किसी विभाग का अध्यक्ष करेगा। और जब यह कैबिनेट का सदस्य नहीं है तो स्वाभाविक है यह कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेगा, है ना। क्योंकि जब कैबिनेट का मेंबर होगा तभी तो कैबिनेट की बैठक में भाग लेगा, ये कैबिनेट का मेंबर है ही नहीं तो कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेगा। सिंपल सा बात है, कैबिनेट मीटिंग में भाग नहीं लेता है। कैबिनेट मीटिंग में भाग नहीं लेता है। इसी प्रकार से आप राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को देखो, तो ये स्वतंत्रता पूर्वक इंडिपेंडेंटली मंत्रालय के किसी विभाग की अध्यक्षता करता है। विभाग की अध्यक्षता करता है, और चूंकि ये स्वतंत्रता पूर्वक कर रहा है इसलिए ये रिपोर्ट सीधे सीएम को करेगा, है ना। ये रिपोर्ट सीधे किसको करेगा, सीएम को करेगा। हाँ, निमंत्रण पर कैबिनेट मीटिंग में भाग लेता है। इसके बारे में अगर देखा जाए तो निमंत्रण पर कैबिनेट मीटिंग में भाग लेता है, ऐसे नहीं लेगा। जब इसको भाग लेने के लिए इनवाइट किया जाएगा, जब उसके विभाग से संबंधित किसी मामला की चर्चा किया जाना हो तो भाग ले सकता है। और ये बेसिकली अगर देखा जाए
तो कैबिनेट मंत्री के समकक्ष है, समकक्ष है नहीं, किसके, कैबिनेट मंत्री के का समकक्ष है। वहीं अगर हम उपमंत्री की बात करें तो आपको पता है उपमंत्री कौन होता है, उपमंत्री जो होता है ये बिना मंत्रालय का मंत्री होता है, है ना, उपमंत्री के बारे में ध्यान रखना, ये होता है बिना मंत्रालय का मंत्री, इसके पास कोई मंत्रालय होता ही नहीं है, ये एक तरह से बाकी मंत्रियों के कैबिनेट और राज्य मंत्रियों के सहायक के तौर पर होता है। और विधानमंडल सचिव है, ये भी कोई मंत्रालय नहीं होता, ना तो किसी को विभाग की अध्यक्षता करता है, ना तो किसी मंत्रालय की अध्यक्षता करता है विधानमंडल सचिव, मुख्य तौर पर देखा जाए तो ये बेसिकली सहायक के तौर पर काम करता है। ये क्या होता है, ये मंत्रियों का सहायक होता है, मंत्रियों का सहायक होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। एक चीजें आपको और समझनी चाहिए साथियों, जो कि मैंने केंद्र में समझाया था, ये केंद्र में सीएम होगा, ये जो है वो क्या है, ये है कैबिनेट, जिसमें केवल कौन मंत्री भाग लेगा, कैबिनेट, इसके सदस्य होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री, केवल कैबिनेट मंत्री। इसकी राज्य कैबिनेट की चर्चा कहीं नहीं किया गया है, है ना, केवल कैबिनेट मंत्री। हाँ, ये जरूर कह सकते हो कि ये जो कैबिनेट है राज्य में नीति निर्णय की सर्वोच्च संस्था है, ये पता होना चाहिए, राज्य में नीति निर्णय की सर्वोच्च संस्था है, यानी राज्य में चाहे राजनीतिक निर्णय हो, आर्थिक निर्णय हो, वो सभी निर्णय, नियुक्ति संबंधित निर्णय कौन लेगा, कैबिनेट के द्वारा लिया जाएगा। इवन कि कौन सा विधेयक लाया जाएगा, ये सभी मामले कौन तैयार करेगा, कैबिनेट के द्वारा तैयार किया जाता है। विधायी प्रस्तावों पर, प्रशासनिक प्रस्तावों पर, राजनीतिक मामलों पर निर्णय कैबिनेट के द्वारा लिया जाता है। और ये जो बड़ा स्ट्रक्चर है इसे मंत्रिपरिषद कहते हैं, और इसमें तीन प्रकार के मंत्री होते हैं जो कि अभी हमने देखा। अब है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, देखो मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति तो राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा, मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा, ऐसा प्रावधान आर्टिकल 164 क्लाउज 1 के अंतर्गत किया गया है। सवाल है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, किसे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, तो यहां समझना, पहली बात तो क्लियर होना चाहिए कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा किया जाएगा, राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। परंतु दूसरा है कि क्या राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को एज अ मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, नहीं, किसी भी व्यक्ति को एज अ मुख्यमंत्री राज्यपाल नियुक्त नहीं कर सकता। तो क्या कर सकता है, तो आप देखो जो राज्यपाल है, राज्यपाल विधानसभा में, विधानसभा में बहुमत दल के नेता, राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को, यानी कि लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी को, किसको, बहुमत दल के नेता को, राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को सीएम के रूप में नियुक्त करता है, किसके रूप में,
सीएम के रूप में नियुक्त करता है। किसके रूप में नियुक्त करता है? सीएम के रूप में नियुक्त करता है, ये आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमें समझ में आया कि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को सीएम के रूप में नहीं नियुक्त कर देंगे, जो जिसको नियुक्त करते हैं वो लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी होता है, बहुमत दल का नेता होता है। अब इस पूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल और स्टेट लेजिस्लेचर, ये राज्य विधानमंडल क्या है और स्टेट लेजिस्लेचर क्या है? राज्य की विधायिका है। ये क्या है? राज्य की विधायिका है। विधायिका लेजिस्लेचर है और विधायिका का काम ही होता है कानून का निर्माण करना। अब राज्य विधानमंडल की बात करें तो ये दो प्रकार का होता है, इसके दो सदन होते हैं, क्योंकि अगर द्विसदनीय है तो, द्विसदनीय है तो, द्विसदनीय है ना, कब होगा? जब विधान परिषद अस्तित्व में हो, विधान परिषद अगर अस्तित्व में हो, क्योंकि भारत में केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद का अस्तित्व में है, तब द्विसदनीय है। अगर अस्तित्व में हो, अन्यथा क्या होगा? द्विसदनीय और या तो एक सदनीय हो सकता है, यूनिकैमरल या बाइकैमरल हो सकता है। और अगर यूनिकैमरल होगा तो केवल विधानसभा होगा, लेकिन अगर बाइकैमरल होगा तो विधानसभा भी होगी और विधान परिषद भी होगा, है ना। विधानसभा भी होगी और विधान परिषद भी होगा। विधान परिषद क्या है? विधान परिषद उच्च सदन है। विधान परिषद क्या है? विधान परिषद की बात करें तो ये उच्च सदन है, अपर हाउस है, अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर है, ये जनता का सदन नहीं है। जबकि विधानसभा की बात करें तो ये जनता का सदन है, ये निम्न सदन है, ये जनता का सदन है, ये निम्न सदन है, ये लोकप्रिय हाउस है और ये अस्थाई भी है, ध्यान रखना। देखो, जैसे अगर हम विधान परिषद की बात करें तो ये अस्थाई सदन है, इसका विघटन कभी नहीं होता। लेकिन विधानसभा तो क्या है? विधानसभा अस्थाई सदन है, इसका एक कार्यकाल है 5 वर्ष, हालांकि 5 वर्ष पूर्व भी इसे विघटित किया जा सकता है। तो आप देखो, जब यहाँ पे ये जनता का सदन है तो इसका आम चुनाव होता है, इसका चुनाव होता है। अब चुनाव कौन करता है? तो चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, जनता द्वारा किया जाता है। किस माध्यम से? जब जनता स्वयं चुनाव में भाग ले रही है तो उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन कहा जाता है, है ना। जब जनता स्वयं चुनाव में भाग लेती है उसको प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन कहा जाता है। अब इस चुनाव में आपको गौर समझना है कि बहुमत प्राप्त दल जो होगा, बहुमत प्राप्त दल सिंगल दल हो सकता है या गठबंधन हो सकता है, क्योंकि उस गठबंधन को भी जो एक साथ चुनाव लड़ते हैं हम एक सिंगल पार्टी के तौर पर ही कंसिडर करते हैं, उसे एकल राजनीतिक दल के तौर पर ही माना जाता है। तो बहुमत प्राप्त दल और गठबंधन, ठीक है, ये क्या करेगा? सरकार बनाने का दावा करेगा राज्यपाल के समक्ष, राज्यपाल को अपने सभी विधायकों के हस्ताक्षर करके भेजेगा और दावा करेगा कि देखिए हमारे पास बहुमत है, हमें सरकार गठन का अनुमति मिलना चाहिए। तो बहुमत प्राप्त दल, अब ये बहुमत प्राप्त जो दल है ये क्या करेगा? सर्वसम्मति से अपना नेता चुनता है, सर्वसम्मति। हालांकि देखो यही ना इसका होता नहीं है, हमारे यहाँ है कि पहले से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का कैंडिडेट अनाउंस्ड नहीं होता,
लेकिन हमारे देश में जो व्यवस्था का निर्माण हो गया है उसमें यही देखने को मिलता है कि ऑलरेडी तय होता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, यानी जो चुनाव है वो संसदीय प्रणाली के अनुसार चुनाव के बजाय अध्यक्षात्मक प्रणाली जहां व्यक्ति केंद्रित चुनाव होता है जैसे अमेरिका में होता है, तो ये व्यक्ति केंद्रित चुनाव तौर पर देखने को मिलता है। ऑलरेडी डिसाइड होता है कि यही व्यक्ति क्या होगा, बहुमत दल का नेता बनेगा, मुख्यमंत्री बनने वाला या प्रधानमंत्री बनने वाला है। लेकिन संविधान कहता है कि इस चुनाव के बाद जिस भी दल को बहुमत प्राप्त होगा वो सर्वसम्मति से अपना नेता चुनता है, सर्वसम्मति से अपना नेता चुनता है। तो अगर वो सर्वसम्मति से अपना नेता चुना तो वही नेता क्या हो गया, वही नेता ना बहुमत दल का नेता हो गया, लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी हो गया, बहुमत दल का नेता हो गया, लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी हो गया। तो वो राज्यपाल के समक्ष सरकार गठन का दावा करेगा, और अगर राज्यपाल यह पाता है कि संबंधित पार्टी के पास उपयुक्त बहुमत है, और बहुमत का मतलब क्या होता है, आधे से अधिक होना, जैसे बिहार विधानसभा में अगर 243 सीट है तो जिस भी गठबंधन या दल को 122 सीटों का समर्थन प्राप्त है वही सरकार बनाने के लिए समर्थन हो, मतलब असक्षम हो जाएगी। तो राज्यपाल के समक्ष सरकार गठन का दावा करेगा, फिर क्या करते हैं, राज्यपाल निमंत्रण भेजते हैं कि आइए, एक समारोह का आयोजन किया जाता है जहां बुलावा होता है, कई लोग से आते हैं, और फिर राज्यपाल बहुमत दल के नेता को, राज्यपाल बहुमत दल के नेता को सीएम के रूप में नियुक्त करता है। राज्यपाल बहुमत दल के नेता को किसके रूप में, सीएम के रूप में नियुक्त करता है, किसके रूप में करता है नियुक्त, तो सीएम के रूप में नियुक्त करता है, किसको, राज्यपाल किसको कर रहा है, तो बहुमत दल के नेता को कर रहा है, गौर से सुनना, बहुमत दल के नेता को कर रहा है, किसके रूप में नियुक्त कर रहा है, तो सीएम के रूप में चीफ मिनिस्टर के तौर पर नियुक्त कर रहा है। ठीक है, अब जब इतना हो जाएगा उसके बाद क्या करेगा, राज्यपाल सीएम के परामर्श पर, राज्यपाल सीएम के परामर्श पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है, राज्यपाल सीएम के परामर्श पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है, किसके परामर्श पर करता है, तो राज्यपाल जो है वो सीएम के परामर्श पर मंत्रियों की नियुक्ति कर रहा होता है, चीफ मिनिस्टर के परामर्श पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है, किसके परामर्श पर करता है, चीफ मिनिस्टर सीएम के परामर्श पर मंत्रियों की नियुक्ति करता। तो अब देखो, जब चीफ मिनिस्टर और मंत्री बन गए तो एक तो आया सीएम और प्लस मंत्री, अब इन दोनों मिलकर के ही क्या बन जाएगा, सीएम प्लस मंत्री, अब ये क्या हो गया, राज्य मंत्री परिषद हो गया, ये क्या बन गया, राज्य मंत्री परिषद हो गया। राज्य मंत्री परिषद, और राज्य मंत्री परिषद क्या है इसके बारे में ध्यान रखना, ये राजनीतिक कार्यपालिका है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, राजनीतिक कार्यपालिका है, ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है। अब आप सोचो कि विधायिका से ही राजनीतिक कार्यपालिका का गठन हो रहा और इस पूरी प्रक्रिया से गठन हो रहा, यह प्रक्रिया लगभग मिलती जुलती बिल्कुल उसी तरह से, लगभग क्या, बिल्कुल उसी तर्ज पर है जैसे केंद्र में होता है प्रधानमंत्री और मंत्री की नियुक्ति, बिल्कुल राज्य में उसी प्रकार से नियुक्ति होती है। तो देखो कई सारी चीजें पता चली, बहुमत दल का नेता यानी
जो लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी है वही मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। परंतु आप सोचकर देखो, अगर इस चुनाव में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त न हो तो यह स्थिति तो उत्पन्न हो ही सकती है कि किसी एक दल को या गठबंधन को बहुमत प्राप्त ही ना हो। जैसे बिहार का एग्जाम्पल ले लेते हैं, बिहार में चुनाव हुआ, है ना, जैसे बिहार में चुनाव हुआ। अब जब बिहार में चुनाव हुआ तो किसी एक दल को बहुमत प्राप्त ही नहीं हुआ, तब क्या होगा? तब वैसी स्थिति में जब विधानसभा के चुनाव में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त ना हो, उसे त्रिशंकु विधानसभा कहा जाता है। त्रिशंकु का मतलब किसी को अस्पष्ट बहुमत मिले ही ना। तो वैसी स्थिति में राज्यपाल के पास मुख्यमंत्री के चयन का अधिकार होता है। किसके पास? राज्यपाल के पास मुख्यमंत्री के चयन का अधिकार होता है, ठीक है ना, ये गौर करना। तो राज्यपाल के समक्ष सरकार गठन का दावा, बहुमत दल के नेता को सीएम नियुक्त करेगा और फिर सीएम के सिफारिश पर ही। कहने का तात्पर्य यह है कि राज्यपाल उसी व्यक्ति को मंत्री के रूप में नियुक्त करेगा जिसे सीएम मंत्री के रूप में नियुक्त करने के लिए सिफारिश करता है। यानी मंत्रियों के चयन हेतु मुख्यमंत्री के पास विशेषाधिकार है, स्पेशल प्रिविलेज है। कौन मंत्री बनेगा और कौन मंत्री किस मंत्रालय का अध्यक्ष बनेगा, ये तय करने का अधिकार मुख्यमंत्री के पास है। हाँ, मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। किसके सिफारिश पर? तो मुख्यमंत्री के सिफारिश पर करता है। तो ये टेबल आपको पता होना चाहिए ताकि आप इस पूरी कहानी को समझ सको कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होता है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो मुख्यमंत्री साहब हैं, जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, इनकी योग्यता एज सच संविधान में उल्लेख किया नहीं गया है। ये विधानसभा के भी मेंबर हो सकते हैं, विधान परिषद के भी मेंबर हो सकते हैं, लेकिन विधानसभा के बहुमत दल के नेता अनिवार्य रूप से होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। देखो, एक कुछ राज्यों में जनजातीय कल्याण मंत्री है, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। इन चार राज्यों में जनजातीय कल्याण मंत्री होता है क्योंकि इन चार राज्यों में जनजातियों की एक बड़ी जनसंख्या निवास करती है, खास तौर पर मध्य प्रदेश में, जहां जनजातियों की एक बड़ी जनसंख्या निवास करती है। लेकिन पहले यह प्रावधान बिहार में भी था, क्योंकि जब 15 नवंबर 2000 से पहले झारखंड भी बिहार राज्य का अंग था और झारखंड में जनजातीय जनसंख्या बड़ी संख्या में है, तो उस समय बिहार में भी एक जनजातीय कल्याण मंत्री होते थे। बिहार में यह प्रावधान 2006 तक बना रहा। 2006 में 94वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। यानी बिहार में जनजातीय कल्याण मंत्री नहीं होता, चार राज्य में होता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, इन चार राज्यों में होते हैं। मंत्री परिषद का आकार क्या है? देखो, संविधान में आकार का निर्धारण नहीं था, ये बात आपको पता होना चाहिए। मूल संविधान में आकार निर्धारित नहीं था। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। लेकिन इसको आकार फिक्स किया गया, यानी फिक्स्ड किया गया, निर्धारित किया गया। कब किया गया? तो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा फिक्स कर दिया गया। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा क्या कर दिया गया? फिक्स कर दिया गया, ये ध्यान रखना है। दूसरा है कि आकार होता कितना है,
ये तो जानने वाली बात है। तो यहां पे समझना न्यूनतम कितना होगा, मिनिमम कितने मंत्री हो सकते हैं। तो यहां पे कहता है कि जो न्यूनतम होगा वो होगा 12, 12% नहीं, 12 संख्या में, और अधिकतम कितना होगा, अधिकतम विधानसभा के कुल सदस्य का, विधानसभा के कुल सदस्य का 15%, विधानसभा के कुल सदस्य का 15%। अब देखो यहां पे न्यूनतम कितना 12 और अधिकतम कितना, तो विधानसभा के कुल सदस्य का 15% अधिकतम होगा। और संविधान में जो साइज है वो फिक्स नहीं है, आकार निर्धारित नहीं है, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा आकार को निर्धारित किया गया है। देखो पहले क्या होता था कि राजनीतिक निष्ठा के लिए बहुत सारे लोगों को मंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया जाता था, तो मंत्रियों को मिलने वाले जो विशेषाधिकार होते हैं, जो उनकी सुरक्षा में खर्च होता है, आवास में खर्च होता है, इन पर राज्य सरकार का काफी ज्यादा व्यय हो जाता था। तो ये तो जनता के साथ ठगी हुई है ना। इसको रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया, 91वां संविधान संशोधन के द्वारा, और जिसके माध्यम से केंद्रीय मंत्री परिषद का भी आकार निर्धारित किया गया और राज्य मंत्री परिषद का भी आकार निर्धारित कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया। तो न्यूनतम 12 और अधिकतम विधानसभा के कुल सदस्य का 15% होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री या मंत्री की योग्यता क्या होती है। तो देखो ऐसा कोई फिक्स है नहीं, कोई फिक्स है नहीं, बस यहां पे इतना ध्यान रखना, गौर से सुनना मेरी बात। अगर विधानसभा का सदस्य है, अगर विधानसभा सदस्य है हो तो न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 25 वर्ष, ठीक है ना। और अगर वो विधान परिषद का सदस्य है, कि विधान परिषद तो तभी ना जब अस्तित्व में हो, और ये तो केवल 6 राज्यों में है, अगर विधान परिषद का सदस्य हो तब न्यूनतम उम्र जो होगी वो 30 वर्ष होगा। तब न्यूनतम उम्र कितनी होगी, तब न्यूनतम उम्र जो होगी वो कितना होगा, 30 वर्ष होगा, 30 years of age होगा। कितना होगा, 30 years of age होगा। तो दोनों ध्यान रखना, अगर वो विधानसभा का है तो 25 और अगर वो विधान परिषद का है तो 30 years होगा। तो वो मंत्री या मुख्यमंत्री विधानसभा का भी मेंबर हो सकता है और विधान परिषद का भी मेंबर हो सकता है। जैसे बिहार में नीतीश कुमार जो हैं वो विधान परिषद के सदस्य हैं और वहीं से मुख्यमंत्री बनते हैं, अलग से वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ते हैं। हाँ ये एक जरूर है, 164(5) को ध्यान रखिएगा, सवाल ये है कि क्या कोई व्यक्ति बिना विधानमंडल का सदस्य हुए भी मंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है? उत्तर है हाँ, बन सकता है, लेकिन वो केवल 6 महीने तक बन सकता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल सदस्य ना होते हुए, और राज्य विधानमंडल का मतलब क्या है, विधानसभा, और अगर विधान परिषद अस्तित्व में है तो विधान परिषद भी, तो भी वो सीएम या मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, लेकिन 6 महीने के भीतर उसे राज्य विधानमंडल के किसी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। अन्यथा अगर वो सदस्यता प्राप्त करने में विफल रहता है तो सीएम या मंत्री का पद उसका समाप्त हो जाएगा। यानी कि कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य न होते हुए भी 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, ये योग्यता है। एज सच कोई विशेष योग्यता की चर्चा नहीं की गई है। यही मुख्यमंत्री के लागू होता और यही
मंत्रियों के लिए लागू होता है। शपथ कहां प्राप्त करेगा? तो आर्टिकल 164(4) के अंतर्गत शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में है और राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री और मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई जाती है। गोपनीयता जब तक जरूरी न हो तो वो मंत्री परिषद के या सरकार के निर्णयों को जनता के समक्ष अवगत नहीं कराएगा और जिसके समक्ष उसको उसकी उद्घोषणा की जानी चाहिए केवल उसी के सामने उसकी जानकारी देगा। इसे पोस्ट ऑफ सिक्रेसी कहा जाता है, गोपनीयता का पद कहा जाता है। तो पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। किसको? मंत्री को भी और मुख्यमंत्री को भी, दोनों को कौन दिलाता है? यहां पे मैं लिख देता हूं मुख्यमंत्री एवं मंत्री, सीएम ब मंत्री का शपथ वगैरह यहां चर्चा किया गया है। इसके अलावा वेतन भत्ता क्या मिलता है? तो वेतन और भत्ता सेम, यहां भी सीएम ब मंत्री। देखो वेतन और भत्तों का निर्धारण राज्य का विधानमंडल करेगा, स्टेट का लेजिस्लेचर तय करेगा और मंत्रियों और मुख्यमंत्री को वेतन राज्य विधानमंडल सदस्य के रूप में मिलता है। कोई अलग से वेतन या भत्ता की चर्चा नहीं किया गया। हाँ भत्ता मिलता है, कुछ अलग प्रकार के पद के लिए भत्ता मिलता है, लेकिन जो वेतन है वो राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में मिलता है, विधायक के रूप में ही वेतन प्राप्त करता है। ये ध्यान रखना है क्योंकि इन पदों का कोई विशेष उल्लेख तो किया नहीं गया है। मंत्रियों का कार्यकाल क्या होगा? अभी आपने देखा कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, कोई फिक्स है ही नहीं, क्योंकि मंत्रियों की नियुक्ति कौन करवा रहा है? मुख्यमंत्री करवा रहा। तो वैसे तो मंत्री या मुख्यमंत्री अपने पद हेतु राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन मंत्री बेसिकली मुख्यमंत्री के विश्वास पर पद में बना रहता है। मुख्यमंत्री अगर चाहे तो या तो वो मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है या तो राज्यपाल को सिफारिश करके उसे पद से बर्खास्त करवा सकता है। मान लो राज्य मंत्री परिषद ने कोई निर्णय लिया, उस निर्णय से मंत्री सहमत नहीं है तो मंत्री को खुद त्यागपत्र दे देना चाहिए, अन्यथा राज्यपाल से परामर्श, राज्यपाल को परामर्श देकर मुख्यमंत्री उसे पद से हटवा देगा। तो मंत्रियों के लिए कोई कार्यकाल फिक्स नहीं है, राज्यपाल के ये प्रसाद प्रयत्न अथवा इच्छा अनुसार पद धारण करता है। मंत्री की नियुक्ति और बर्खास्तगी सीएम की सिफारिश पर राज्यपाल करता है, इसलिए इसका यह नहीं है कि 5 साल होगा 4 साल होगा, कोई फिक्स कार्यकाल है ही नहीं। इनकी समाप्ति कैसे होगी? एक तो देखो सिंपल सी तरीका है कि मान लो कि इस दुनिया को छोड़ गए, मृत्यु हो गई तो समाप्त हो जाएगा। दूसरा, या तो वो स्वेच्छा से छोड़ सकता है, त्यागपत्र देकर छोड़ सकता है, राज्यपाल को त्यागपत्र देकर के अपना पद छोड़ देगा, क्योंकि किसके प्रति उत्तरदायी है अपने पद हेतु? राज्यपाल के प्रति, तो राज्यपाल को त्यागपत्र देकर के पद छोड़ सकता है, ठीक है ना। दूसरा है मंत्री परिषद के निर्णय से अगर असहमत होगा तब भी वो त्यागपत्र दे देता है और सीएम के सिफारिश पर उसको बर्खास्त किया जा सकता है। लेकिन ये आपको क्लियर है कि अगर मंत्री का पद अगर समाप्त होता है तो इसे मंत्री परिषद के कार्यकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अगर मुख्यमंत्री का पद समाप्त हो जाए तो क्या तब भी मंत्री परिषद के कार्यकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? तब पड़ेगा, है ना, क्योंकि मंत्री परिषद का गठन एवं समाप्ति का केंद्र बिंदु कौन है? देखो यहां पे अभी हमने समझा है मंत्री परिषद के गठन एवं समाप्ति का केंद्र बिंदु मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री के नियुक्ति के साथ ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है और तब मंत्री परिषद का गठन होता है। तो अगर मुख्यमंत्री का पद समाप्त हो जाए तो पूरी मंत्री परिषद अपने आप विघटित हो जाएगी और मुख्यमंत्री का पद कई प्रकार से समाप्त हो सकता है, या तो मृत्यु हो जाए, या तो वो राज्यपाल को अपना त्यागपत्र दे दे, या तो वो विधानसभा में अपना बहुमत खो दे, क्योंकि आप यहां देखो विधानसभा में जिस भी दल को बहुमत प्राप्त होता है वही सरकार में बना रहता है। तो अगर राज्य की मंत्री परिषद विधानसभा में बहुमत खो देती है तब वैसी स्थिति में मंत्री परिषद का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा
और जब मंत्री परिषद विधानसभा में अपना बहुमत खो देती है तो या तो मुख्यमंत्री मतलब पूरी मंत्री परिषद समेत त्यागपत्र दे देता है और या तो राज्यपाल के द्वारा बर्खास्त कर दिया जाता है। तो बेसिकली जो मुख्यमंत्री का भी कार्यकाल निश्चित नहीं है, मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत प्राप्त होने तक कार्यकाल में बना रहता है और मंत्री वो मुख्यमंत्री में विश्वास पर, क्योंकि मुख्यमंत्री उसको कभी भी मंत्रियों को हटवा सकता है या त्यागपत्र मांग सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो मंत्रियों का विशेषाधिकार क्या होता है, सेम चीज है, राज विधान मंडल या उसकी समिति की बैठक में भाग लेने या बोलने का अधिकार होगा। मान लो कि राज्य में दोनों सदन है, विधानसभा भी है विधान परिषद भी है, और मंत्री जो है वो विधान परिषद का है तो विधानसभा की भी बैठक में भाग ले सकता है, विधान परिषद की बैठक में भी भाग ले सकता, दोनों में बोल सकता है, लेकिन वोट वही करेगा जिस सदन का वह मंत्री होगा। अब एक लॉजिकल क्वेश्चन समझो, बहुमत कहां प्राप्त होता है मुख्यमंत्री को, विधानसभा में, तो विश्वास मत कहां लेकर आएगा, कॉन्फिडेंस मोशन कहां लेकर आएगा, विश्वास प्रस्ताव विधानसभा में, या मुख्यमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन कहां लाया जाएगा, विधानसभा में, क्योंकि सरकार का गठन ही विधानसभा से हो रहा है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य है तो क्या तब व नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोट कर सकता है उसके विरोध में? नहीं कर सकता है, क्योंकि जो मंत्री जिस सदन का सदस्य होगा उसी सदन में वोट कर सकता है। अगर कोई मंत्री विधानसभा का सदस्य है तो वो विधानसभा की बैठक में भाग ले सकता, विधानसभा में बोल सकता है, और साथ ही साथ वो विधान परिषद की बैठक में भी भाग ले सकता है, विधान परिषद में भी बोल सकता, लेकिन वह वोट केवल और केवल विधानसभा में ही कर सकता है क्योंकि वो विधानसभा का मेंबर होता है। यानी मंत्री जिस सदन का मेंबर होता है उसी सदन में वोट कर सकता है, और मंत्रियों को मिलने वाले विशेषाधिकार महाधिवक्ता को भी प्राप्त होता है, इसलिए महाधिवक्ता भी विधान मंडल की बैठकों में भाग लेने बोलने का अधिकार रखता है लेकिन मतदान का अधिकार नहीं रखता, क्योंकि महाधिवक्ता सदन का सदस्य नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मंत्री परिषद का कार्यकाल एज सच कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, विधानसभा में बहुमत पर निर्भर करता है। अगर मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होगा। मंत्री परिषद की उत्पत्ति और समाप्ति का केंद्र बिंदु मुख्यमंत्री है, वही सारी चीजें। देखो यहां पे मैं एक समझाने की कोशिश करता हूं पिक्चर के माध्यम से। विधानसभा, ठीक है, मंत्री परिषद, इसी विधानसभा से मंत्री परिषद का गठन हो रहा। गठन का आधार क्या है समझिएगा, गठन किस आधार पर हो रहा है तो बहुमत के आधार पर हो रहा है, बहुमत के आधार पर मंत्री परिषद का गठन हो रहा है। तो एक बात समझो, तो ये जो मंत्री परिषद होगी, ये जो मंत्री परिषद होगी ये क्या होगा, ये उत्तरदायी होगा किसके प्रति, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। इसको कहते हैं संपूर्ण राज्य मंत्री परिषद, संपूर्ण राज्य मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति, संपूर्ण राज्य मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति
सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो आप यहां देखो, संपूर्ण मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति, विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता, अर्थात मंत्रिपरिषद का जो अस्तित्व है वो विधानसभा में बहुमत पर निर्भर करता है। जब तक मंत्रिपरिषद को विधानसभा का बहुमत प्राप्त होगा तब तक वह अस्तित्व में बना रहेगा, और अगर मंत्रिपरिषद विधानसभा में बहुमत खो देता है या उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने का मतलब भी यही है कि मंत्रिपरिषद ने अपना बहुमत खो चुका है, तो उस स्थिति में मंत्रिपरिषद का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो यहां पे एक बात समझना, इसका अस्तित्व एग्जिस्टेंस विधानसभा में बहुमत पर निर्भर करता है। कहां पे, विधानसभा में बहुमत पर निर्भर करता है। यहां बहुमत का मतलब क्या है, विश्वास मत। बहुमत का मतलब यहाँ क्या है, विश्वास मत, यानी कि कॉन्फिडेंस पर डिपेंड करता है। किस पे, कॉन्फिडेंस पर डिपेंड करता है, विश्वास मत पर डिपेंड करता है। ये आपको ध्यान रखना है, विधानसभा में बहुमत पर निर्भर करता, यानी मंत्री परिषद को जब तक विधानसभा में बहुमत हासिल है तभी तक अस्तित्व में है, और इसी को कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता। लेकिन यहां पे देखो, जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, कौन कौन है मंत्रिपरिषद के सदस्य, मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं वो सीएम हैं और मंत्री हैं, सीएम और मंत्री हैं। और ये सीएम और जो मंत्री हैं ये व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं, है ना, व्यक्तिगत तौर पर उत्तरदायी किसके प्रति, राज्यपाल के प्रति होते हैं, क्योंकि राज्यपाल के द्वारा ही मुख्यमंत्री और मंत्री की नियुक्ति किया जाता है। यानी कि मंत्री और मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं। परंतु यहां एक समझने वाली बात है, तो क्या राज्यपाल कभी भी किसी मुख्यमंत्री या मंत्री को हटा सकता है? उत्तर है नहीं। मंत्रियों की नियुक्ति या बर्खास्तगी केवल और केवल राज्यपाल के सिफारिश पर किया जाता है, माफी चाहूंगा, मुख्यमंत्री के सिफारिश पर राज्यपाल के द्वारा किया जाता। हाँ, या तो मंत्री की मृत्यु हो जाए या वो राज्यपाल को त्याग पद देकर अपना पद जरूर छोड़ सकता है, लेकिन ऐसे मंत्रियों की नियुक्ति या बर्खास्तगी मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और मुख्यमंत्री को वो कभी नहीं हटा सकते, मुख्यमंत्री को जब तक विधानसभा का बहुमत प्राप्त है तब तक मुख्यमंत्री पद पर बना रहेगा, तब तक उसे हटाया नहीं जा सकता। हाँ, अगर वो स्वतः त्यागपत्र देकर पद छोड़ना चाहे तो जरूर छोड़ सकता है। इस संबंध को याद रखना है। उत्तरदायित्व की बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो दो प्रकार का उत्तरदायित्व है। एक, जैसा कि मैंने आपको व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के बारे में बताया कि राज्यपाल के प्रति होता है, और दूसरा सामूहिक उत्तरदायित्व के बारे में बताया, और तीसरा मैंने आपको पहले भी बता रखा हूं कि विधिक उत्तरदायित्व नहीं होता है, विधिक उत्तरदायित्व नहीं होता है, क्योंकि भारत में लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, मंत्रियों के द्वारा निर्णय को प्रति हस्ताक्षरित किया नहीं जाता, इसलिए विधिक उत्तरदायित्व नहीं है। और सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब होता है कि पूरी की पूरी जो मंत्री परिषद है वो सामूहिकता के सिद्धांत पर काम करती है, साथ साथ तैरेगी, साथ साथ डूब जाएगी। यानी पूरी मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, विधानसभा, और यह कार्य भी करती है सामूहिकता के आधार पर।
अगर मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया तो यह माना जाता है कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद के सारे सदस्यों ने निर्णय ले लिया है, और अगर कोई सदस्य निर्णय से असहमत है तो उसे त्यागपत्र देना होगा। यही व्यवस्था किया गया है। तो ये इसके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्या होता है। इसके अलावा है मंत्रिमंडलीय समितियां। देखो, मंत्रिमंडलीय समितियों के बारे में अलग से जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी केंद्र में चर्चा कर लिया है, तो बिल्कुल उसी प्रकार से राज्य में भी देखने को मिलता है, और कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री के बारे में, चीफ मिनिस्टर के बारे में। देखो, चीफ मिनिस्टर होता कौन है, करता क्या है? प्रधानमंत्री के तर्ज पर पद को बनाया गया है, तो प्रधानमंत्री क्या होता है, सरकार का प्रमुख होता है, कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, डिफैक्टो सेम चीजें किस पे लागू होगा, मुख्यमंत्री पर, यानी यह राज्य का राजनीतिक प्रमुख होता है, पॉलिटिकल हेड होता है, वो राज्य सरकार का प्रमुख है, वो राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है, वो डिफैक्टो हेड है, ये सारे शब्दों से तो ऑलरेडी परिचित है, वो राज्य मंत्री परिषद का अध्यक्ष है। हाँ, एक नई बात जानने योग्य ये है कि वो आधिकारिक पदानुक्रम में सातवें स्थान पे आता है, जिस स्थान पर केंद्रीय मंत्री आते हैं उसी स्थान पर मुख्यमंत्री भी आता है। ये नई बातें हैं, बाकी सारी बातों से ऑलरेडी अवेयर हैं। अब सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती। अभी हमने बताया कि भारत के संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति हेतु किसी प्रक्रिया का उल्लेख किया ही नहीं गया है। जनरली किसको, बहुमत दल के नेता को, मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को ही राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता। परंतु एक स्थिति की चर्चा हमने किया कि त्रिशंकु विधानसभा, त्रिशंकु विधानसभा क्या होता है, त्रिशंकु विधानसभा समझना, अगर विधानसभा चुनाव में अगर विधानसभा चुनाव में किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना हो, विधानसभा चुनाव में किसी दल को अस्पष्ट बहुमत न हो, उसी को हम लोग हंग विधानसभा या त्रिशंकु विधानसभा कहा जाता है। तो उस स्थिति में क्या कहा जाएगा, तो इस स्थिति में तो बिल्कुल क्लियर है कि जिस पार्टी या पार्टियों के संयोजन को विधानसभा में व्यापक समर्थन प्राप्त होगा, पार्टियों का संयोजन मतलब कई पार्टी मिल करके बहुमत जुटा रहा है, तो उसको सरकार बनाने के लिए बुलाया जाना चाहिए, या यदि कोई चुनाव पूर्व गठबंधन है, चुनाव के पहले का गठबंधन है, और उसे तो राजनीतिक रूप के दल के रूप में माना जाना चाहिए, और अगर वो बहुमत प्राप्त करता है तो उसे ही गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिए राज्यपाल के द्वारा बुलाया जाएगा। ये तो बिल्कुल है, जो स्पष्ट है सबको। लेकिन सवाल ये है कि अगर किसी भी पार्टी या चुनाव पूर्व गठबंधन के पास बहुमत, स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो वैसी स्थिति में राज्यपाल क्या करता है। तो पहला तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि पार्टियों का वह समूह जिसके पास चुनाव पूर्व गठबंधन था उसकी संख्या सबसे अधिक है, उसको बुला लेंगे। सबसे बड़ी पार्टी को बुला लेंगे, सबसे बड़ी पार्टी दूसरों के समर्थन से सरकार बनाने का जो दावा पेश कर रही है उसको बुला लेंगे। चुनाव के बाद का गठबंधन जिसमें बाहर से कुछ सपोर्ट कर रहे होंगे उसको बुला लेंगे, या चुनाव के बाद का गठबंधन जिसमें कुछ पार्टियां सरकार में शामिल हो रही है जबकि कुछ बाहर से समर्थन कर रही है उसको बुला लेंगे। देखो होता क्या था ना, जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, महाराष्ट्र का मामला। महाराष्ट्र की विधानसभा का चुनाव हुआ परंतु किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिला। उस समय देखने को यह मिला कि जो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे वो जल्दबाजी में देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दिया, जबकि अगर ये देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस के पास कोई बहुमत था नहीं, फिर भी उनको दिला दिया गया।
ये कहीं ना कहीं जब ऐसा कुछ होता है तो जोड़ तोड़ की राजनीति को बढ़ावा देता है। जो हॉर्स ट्रेडिंग होता है, विधायकों की खरीद फरोख्त, उसको बढ़ावा देता है। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, कहा नहीं, तुरंत क्या करो, बहुमत साबित करो। बहुमत साबित नहीं कर पाई और देवेंद्र फडणवीस की सरकार गिर गई थी, जो कि राज्यपाल के पद का दुरुपयोग देखने को मिला। ये दुरुपयोग कई बार देखने को मिलता है, बिहार में भी देखने को मिला। जब 2005 में राजपाल बूटा सिंह थे, उस समय मुख्यमंत्री उस समय उसके पहले तो मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी, नीतीश कुमार के समर्थन के वाली पार्टी को बहुमत प्राप्त था, परंतु सरकार बनाने नहीं दिया गया, विवादों के घेरे में रहा। इवन कि दूसरा आप मामला देखोगे तो 2015-16 में महागठबंधन वाला मामला आया, 2016-17 के आसपास, उस समय भी यही देखने को मिला। कहने का मतलब इसका दुरुपयोग किया जाता रहा है। इसीलिए सरकारिया आयोग और अन्य आयोगों के अनुसार कुछ प्रक्रियाएं निर्धारित की गई है कि अगर विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले, यानी कि हंग लेजिस्लेटिव असेंबली हो, तो वैसी स्थिति में राज्यपाल कुछ क्राइटेरिया को ध्यान रखता है। पहला क्राइटेरिया यह है कि वो सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा, सबसे बड़ी पार्टी, लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी को करेगा, या लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी में गठबंधन भी शामिल हो जाता है, या तो वो चुनाव पूर्व गठबंधन जिसे बहुमत प्राप्त है उसे सरकार बनाने के लिए बुलाएगा, या तो चुनाव पश्चात गठबंधन को सरकार बनाएगा। वही पहला, पार्टियों का बड़ा समूह जिसके पास चुनाव पूर्व गठबंधन था, उसकी संख्या सबसे अधिक है, उसको बुलाएगा। अगर वो नहीं हो पाया तो सबसे बड़ी पार्टी जो दूसरों के समर्थन से, यानी कि चुनाव पश्चात गठबंधन है, ये क्या है, ये चुनाव पश्चात गठबंधन है। तीसरा है चुनाव के बाद का गठबंधन जिसमें सभी साझेदार सरकार में शामिल हों, और चौथा है कि गठबंधन तो हो रहा है चुनाव के बाद, लेकिन कुछ पार्टियां तो करी की सरकार में शामिल होगी, कुछ बाहर से समर्थन देगी, तो इस प्रकार से बुलाया जाना चाहिए। ये व्यवस्था किया गया है ताकि राज्यपाल निर्धारित मानकों के अनुसार कार्य करे। कुछ स्थितियां और बनती हैं, उनमें सीएम की नियुक्ति कैसे होगा, अन्य परिस्थितियां जैसे आप देखो, सीएम की पद के दौरान मृत्यु हो जाए, ये भी तो परिस्थितियां हो सकती हैं, सीएम की पद के दौरान मृत्यु हो जाए, तो क्या करेगा, है ना। तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री का चयन राज्यपाल करता है ना, हो जाए तो सीएम का चयन कौन करेगा, राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। परंतु यहां एक समझने वाली बात है, और समझने वाली बात है, साधारणता यह देखने को मिलता है, यहां पे नोट में समझिएगा कि साधारणता साधारणता सरकार में मौजूद पार्टी साधारणता सरकार में मौजूद पार्टी को प्राथमिकता दिया जाता है। साधारणता क्या किया जाता है, सरकार में मौजूद पार्टी को प्राथमिकता दी जाती है ना, ये आपको ध्यान रखना, मौजूद पार्टी को प्राथमिकता दी जाती है, ये जनरली। और नहीं, अगर है वो नहीं कर पाएगा तो वो फिर अपनी स्वेच्छा से करता है। दूसरा ये है, अगर सीएम त्याग पत्र दे दे, अगर सीएम त्याग पत्र दे दे, तब सीएम का फिर चयन कौन करेगा, क्योंकि मान लो कि बहुमत दल ही त्याग पत्र दे दिया, तब सीएम का चयन फिर राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, और यह राज्यपाल की परिस्थिति जन विवेकाधिकार है कि वो उसे किसको करेंगे। उस स्थिति में या तो कुछ समय के लिए वो उसी मुख्यमंत्री को भी कहते हैं कि तुम पद में बने रहो जब तक कि हम नया मुख्यमंत्री का चयन नहीं कर लेते हैं, ऐसा कुछ चलता रहता है। देखो, मुख्यमंत्री की पद की योग्यता, इसके पर ऊपर चर्चा करने की कोई आवश्यकता है नहीं, ऑलरेडी हमने चर्चा कर रखा है
कि वो विधानसभा या विधान परिषद का मेंबर हो सकता है। शपथ प्रतिज्ञान भी हमने देख लिया है और वेतन भत्ते भी हमने देख लिया है। कार्यकाल भी हमने समझ लिया है कि इसका कोई निश्चित कार्यकाल सीएम का होता नहीं है। ये बेसिकली राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न अर्थात इच्छा अनुसार पद धारण करता है, लेकिन यहाँ पे क्लियर शब्दों में मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि राज्यपाल मनमाने ढंग से मुख्यमंत्री को पद से हटा देगा। मनमाने ढंग से हटाने का अधिकार नहीं है, ये तब तक पद पर बना रहेगा मुख्यमंत्री जब तक उसे विधानसभा का बहुमत प्राप्त है, विधानसभा का समर्थन प्राप्त है। यानी जब तक उसे विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त होता है तब तक वो पद धारण करता है। हाँ, अगर वो मान लो विधानसभा में अपना विश्वास मत खो दे, तो विश्वास मत खोने की स्थिति में उसे पद से हटाया जा सकता है या तो वो त्याग पत्र देता है। और मैंने आपको बताया था कि मुख्यमंत्री के त्याग पत्र देने पर संपूर्ण मंत्री परिषद विघटित हो जाती है। जो मंत्री परिषद का पूरा जीवन काल है वो मुख्यमंत्री के ही जीवन काल पर निर्भर करता है। सीएम का पद खाली कैसे होगा? या तो वो कार्यकाल पूरा हो जाए, या तो मृत्यु हो जाए, या तो सीएम राज्यपाल को अपना त्याग पत्र दे दे, और या तो उसके खिलाफ विश्वास मत खो दे तो वो छोड़ देगा पद, त्याग पत्र दे देगा, या तो उसको राज्यपाल हटा देगा। इस तरीके से मुख्यमंत्री का पद खाली हो जाता है। अब सवाल आता है कि मुख्यमंत्री की शक्तियां क्या है। मुख्यमंत्री की शक्तियां, पहली शक्तियां हैं मंत्री परिषद के संबंध में, क्योंकि मुख्यमंत्री क्या होता है? मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है, मंत्री परिषद का मुखिया होता है, मंत्री परिषद का प्रधान होता है, और मंत्री परिषद के गठन एवं समाप्ति भी मुख्यमंत्री के ऊपर ही निर्भर करती है। तो मंत्री परिषद के संबंध में उसके पास कई शक्तियां हैं, जैसे पहला सेम, वह मंत्री परिषद की अध्यक्षता करता है, यानी मंत्री परिषद के बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो मुख्यमंत्री करेगा, क्योंकि वो अध्यक्ष होता है। दूसरा, हमने देखा मंत्रियों की नियुक्ति का अधिकार है करवाने का, क्योंकि राज्यपाल उसी व्यक्ति को मंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिसकी सिफारिश कौन करे? मुख्यमंत्री राज्यपाल को करे। मंत्रियों के बीच मंत्रालय का आवंटन भी मुख्यमंत्री ही करता है। हाँ, वो सभी मंत्री के बीच समन्वयकर्ता के रूप में काम करता है, सभी के बीच में एक मैकेनिज्म तैयार करता है ताकि सभी के बीच में समन्वय किया जा सके। ये भी कौन करेगा? मंत्री परिषद का समन्वय करता है। इसके अलावा वो सभी मंत्रियों में पहला होगा, फर्स्ट अमंग इक्वल्स। मंत्री परिषद का विघटन भी करवा सकता है, अगर वो त्याग पत्र दे देगा तो मंत्री परिषद समाप्त हो जाएगी। मंत्रियों को हटा सकता है, या तो वो त्याग पत्र मांग लेगा और या तो राज्यपाल को कह के हटा देगा। अब बताओ, ये सारी शक्तियां जानना कितना सरल है। इसमें ऐसा कोई नया चीजें नहीं जानना है जो हमने प्रधानमंत्री के संबंध में नहीं जाना था। जो बातें हमने प्रधानमंत्री के संबंध में जाना था बिल्कुल फोटोकॉपी वर्जन राज्य में लागू होता है। कोई नई बातें यहां पे लिखी हुई नहीं है। दूसरा, आप देखो मुख्यमंत्री मंत्रालय के आवंटन के दौरान कई बातों का ध्यान रखता है, स्वाभाविक है। अगर मान लो कि इस राज्य में, बिहार राज्य में मंत्रियों की चयन करना है, तो वो मुख्यमंत्री की ये कोशिश होती है कि सभी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मिले, ताकि किसी क्षेत्र को ऐसा ना लगे कि उसके क्षेत्र के लोग मंत्री परिषद में शामिल नहीं है। जैसे मान लो भोजपुरिया क्षेत्र का भी ध्यान रखेगा, मगही क्षेत्र का भी ध्यान रखेगा, अंगिका, बज्जिका, मिथिला, इन सभी क्षेत्रों का ध्यान रखेगा, ताकि वो जो मंत्री परिषद हो वो ऐसा लगे कि पूरे राज्य का मंत्री परिषद है, वो राज्य को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा वर्गीय प्रतिनिधित्व को ध्यान रखता है, जैसे सभी लिंग का हो, महिलाओं का भी हो, पुरुष भी हो, सभी जाति का हो, धर्म के लोगों का भी हो, और अगर गठबंधन है तो सभी दलों का भी प्रतिनिधित्व हो। जैसे बिहार में वर्तमान में गठबंधन की सरकार है, राजद और जदयू की सरकार है, तो राजद के भी सदस्य विधायक मंत्री हैं और जदयू के भी विधायक मंत्री हैं, तो दलीय प्रतिनिधित्व को भी ध्यान में रखा जाता है। और इन बातों का ध्यान मुख्यमंत्री मंत्रियों के चयन के दौरान करता है, ताकि मंत्री परिषद को एक समावेशी आकार दिया जा सके। ये काम कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करता है। इसके अलावा उसकी शक्तियां हैं राज्यपाल के संबंध में। एक तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य है, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, इस पे मैं चर्चा करना जरूरी नहीं समझता। राज्य विधानमंडल के संबंध में,
विधानसभा में नेता होता है। अभी हमने देखा कि क्योंकि विधानसभा में बहुमत दल के नेता को ही हम मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं, तो जिस अगर मुख्यमंत्री जिस सदन का सदस्य होता है उसी सदन का नेता होता है। और साधारणतः यही देखने को मिलता है कि मुख्यमंत्री विधानसभा का सदस्य होता तो विधानसभा का वो नेता होता है। वो राज्यपाल को सलाह देता है विधानमंडल का सत्र बुलाने, सत्र समाप्त करने, विधानसभा को विघटन करने, विधानमंडल के समक्ष सरकार की नीतियों की घोषणा करेगा। ये काम कौन कर रहा होता है? तो मुख्यमंत्री करेगा। इसके अलावा जैसे राज्य योजना बोर्ड है, स्टेट प्लानिंग बोर्ड का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। जोनल काउंसिल जिसे क्षेत्रीय परिषद कहते हैं, आगे केंद्र राज्य संबंधों में इसकी हम चर्चा करेंगे, तो उसका उपाध्यक्ष होता है रोटेशन के आधार पर, क्योंकि एक क्षेत्रीय परिषद में 4 से 5 राज्य होते हैं, तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री बारी बारी से रोटेशन के आधार पर उपाध्यक्ष बनते हैं क्षेत्रीय परिषद का, क्योंकि क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो गृह मंत्री होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होता है इंटर स्टेट काउंसिल का, नीति आयोग का मेंबर होता है, सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है और सरकार की सभी नीतियों की घोषणा करेगा, राज्य सेवाओं का प्रमुख होगा और राज्य में आपदा का मुख्य प्रबंधक होगा। जैसे देखो अभी दिल्ली में सेवाओं को लेकर विवाद चल रहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली के सेवाओं पर अधिकार उनका होना चाहिए जबकि उपराज्यपाल का अधिकार है, और इसी को लेकर खींचतान चल रहा है। लेकिन राज्य के मामले में स्पष्ट होता है कि राज्य सेवाओं का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, राजनीतिक प्रमुख होता है, और राज्य में आपदा का मुख्य प्रबंधक भी होता है। तो ये मुख्यमंत्री की सभी शक्तियां मौजूद है, तो ये मुख्यमंत्री है। अब इसी से देखो मिलता जुलता पद है उप मुख्यमंत्री, लेकिन एकदम से क्रिस्टली क्लियर आपको समझ में आना चाहिए कि भारत के संविधान में ना तो उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है और ना तो उप मुख्यमंत्री पद की व्यवस्था किया गया है। यह राजनीतिक निष्ठा का पद है, विशुद्ध रूप से पॉलिटिकल पोस्ट है ना। इसलिए कभी आप देखोगे कि बनता है और कभी नहीं बनता। जैसे अभी वर्तमान में आप देखोगे कि बिहार में मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री भी है, क्योंकि राजनीतिक निष्ठा, गठबंधन की सरकार है। तो अगर जदयू से मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार, तो गठबंधन दल जो है राजद उससे उप मुख्यमंत्री बना है ताकि दोनों के बीच में समन्वय स्थापित रह सके। तो संविधान में कोई चर्चा नहीं है, ये पॉलिटिकल पोस्ट है और ये कोई स्वतंत्र पद नहीं है। ये कोई स्वतंत्र पद नहीं है, ऐसा नहीं कि मतलब उप मुख्यमंत्री का कोई स्वतंत्र पद होता, नहीं। उप मुख्यमंत्री मंत्री के रूप में ही शपथ लेता है, वो किसी मंत्रालय का ही अध्यक्ष होता है। हाँ, व्यवहारिक तौर पर देखने को यह मिलता है कि मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री का स्थान आता है, लेकिन यह स्वतंत्र पद नहीं है। यानी कि अगर कोई उप मुख्यमंत्री है तो वो साथ ही साथ किसी मंत्रालय का मंत्री है। ऐसा नहीं कि उप मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों के बीच कोई अंतर है, सेम ही है, अलग नहीं है, है ना। मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों में कोई अंतर नहीं होता, तो उप मुख्यमंत्री में कोई अंतर नहीं होता, है ना। ये ध्यान रखना, उप मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों में कोई अंतर नहीं होता, एक ही है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री मंत्री के रूप में शपथ लेता है। हाँ, इसे वरिष्ठतम मंत्री का दर्जा जरूर प्राप्त होता है, क्योंकि महत्वपूर्ण है ना, मुख्यमंत्री के बाद दूसरे स्थान पर आ रहा है, सेकंड पोजीशन पर वो आ रहा है, तो ये उसको जरूर महत्व प्राप्त होता है, परंतु कोई अलग पद नहीं है। और ये भी नहीं है कि सर अगर मान लो मुख्यमंत्री अनुपस्थित हो, तो मुख्यमंत्री अगर अनुपस्थित होगा तो वो मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का निर्वहन जरूर करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री का पद समाप्त हो जाएगा तो उप मुख्यमंत्री मंत्री मुख्यमंत्री बन जाएगा, नहीं, ये व्यवस्था नहीं है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री एक मंत्रिमंडल के मंत्री के समान ही होता है, उससे अलग नहीं होता। यह स्वतंत्र पद नहीं है, यह विशुद्ध रूप से राजनीतिक पद है उप मुख्यमंत्री का पद। यह स्पष्ट होना चाहिए, यह क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। अगला टॉपिक है हमारा राज्य का महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। देखो जैसे केंद्र में महान्यायवादी है, अटर्नी जनरल है, उसी के तर्ज पर राज्य में महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल के पद का गठन किया गया है। तो ये क्या होता है? ये राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, और जब राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार यानी कि वकील है, तो राज्य को कानूनी मामलों पर सलाह देगा, न्यायालयों में राज्य की ओर से उपस्थित होने का अधिकार होगा, है ना। इसकी चर्चा कहां की गई है? तो संविधान के भाग 6 में
आर्टिकल 165 में संवैधानिक है, क्योंकि संविधान में चर्चा है। यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, राज्य में कानून का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। राज्य सरकार का वकील है, यानी कि वो कानूनी सलाहकार है। और लेकिन यह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, ये ध्यान रखना। ये मंत्रिमंडल से स्वतंत्र एक पद है, एक संवैधानिक पद है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। आप यहां देख सकते हो, नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा सीएम के सलाह पर किया जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार का कानूनी वकील है, राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है। तो राज्य सरकार अपने मन मर्जी से ही ना महाधिवक्ता की नियुक्ति करवाएगा, तो सीएम के सलाह पर राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। परंतु प्रश्न ये है कि किसे महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, तो उस व्यक्ति को जिसके पास हाईकोर्ट के सदस्य बनने की योग्यता हो, है ना, हाईकोर्ट के सदस्य बनने की योग्यता हो, हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो, उसे नियुक्त किया जा सकता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए तो फिक्स है। क्या कोई मिनिमम एज क्राइटेरिया भी है? मिनिमम एज क्राइटेरिया नहीं है, मैक्सिमम एज जरूर है कि हाई कोर्ट का न्यायाधीश मैक्सिमम 62 वर्ष की उम्र तक पद पर बना रहता है। लेकिन महाधिवक्ता के लिए कोई अधिकतम उम्र निर्धारित नहीं है, कितना भी उम्र हो सकता है, यहां पे गौर से समझना। अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित नहीं है। अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित नहीं है। हाँ, ये कहता है कि उसे भारत के क्षेत्र में 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर रहना चाहिए और उसे किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकील रहना चाहिए। ये दोनों में से कोई एक हो, ऐसा नहीं कि दोनों हो। या तो वो 10 वर्षों तक न्यायिक सेवा में रहा हो या 10 वर्षों तक हाईकोर्ट में वकील रहा हो, दोनों में से कोई एक योग्यता होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, तब उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन महाधिवक्ता के लिए कोई अधिकतम उम्र सीमा नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट का न्यायाधीश मैक्सिमम 62 वर्ष की उम्र तक रह सकता है, लेकिन यह महाधिवक्ता पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है, कार्यकाल क्या होगा? संविधान के द्वारा निश्चित किया ही नहीं गया है। यह राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है, यानी जब तक राज्यपाल चाहे। और जैसा कि आपको पता है कि राज्यपाल किसके हिसाब से काम कर रहा है, मुख्यमंत्री के हिसाब से, तो जब तक मुख्यमंत्री चाहे तब तक ही महाधिवक्ता अपने पद पर बना रहेगा, कभी भी हटाया जा सकता है, या महाधिवक्ता राज्यपाल को अपना त्याग पद देकर कभी भी मुक्त भी हो सकता है। देखो, इसके लिए कोई वेतन नहीं है, जो राज्यपाल निर्धारित करेगा वही मेहनताना मिलेगा, यानी कि रेमुनरेशन मिलता है, कोई वेतन की चर्चा नहीं है। ये क्लियर होना चाहिए आपको। नेक्स्ट, इसके अधिकार क्या क्या है? पहला, मंत्रियों को प्राप्त होने वाले विशेषाधिकार प्राप्त होता है, यानी कि विधानमंडल की या विधानमंडल की समिति के बैठक में भाग ले सकता, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता। राज्य विधानमंडल सदस्य को प्राप्त होने वाले विशेषाधिकार और उन्मुक्ति प्राप्त होता है। सबसे बड़ी बात है कि यह सरकारी कर्मचारी नहीं है, इसीलिए इसे निजी प्रैक्टिस से वंचित नहीं किया गया है, ये अपनी निजी वकालत जारी रख सकता है। हाँ, ऐसा कोई मामला में सुनवाई नहीं कर सकता जिसमें राज्य सरकार एक पक्ष हो, उसमें सुनवाई नहीं कर सकता, क्योंकि वो राज्य सरकार का वकील है। या कोई आपराधिक मामलों में सुनवाई नहीं करेगा जब तक कि उसको राज्य सरकार से अनुमति न मिल गया हो, लेकिन वो अपनी निजी वकालत को जारी रख सकता है। और काम क्या करेगा? वही सारे काम, कानूनी मामलों पर सलाह देगा, राज्यपाल जो कानूनी मामलों पर कार्य करने को कहेगा वो करेगा, न्यायालय में राज्य सरकार की ओर से उपस्थित होगा, संविधान या कानून द्वारा प्रदत्त कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। ये महाधिवक्ता का काम होता है। राज्यपाल, राज्य मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता, ये राज्य कार्यपालिका के अंग हैं। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको
ये पूरी बातें समझ में आई होंगी, आपने ठीक तरीके से समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। खूब पढ़िए, खूब समझिए, नोट्स बनाते रहिए, आप सेल्फ नोट्स बनाइए। सेल्फ नोट्स आपको कॉन्सेप्ट को समझने में ज्यादा मदद करेगा। ठीक है, आप लेक्चर्स को एक बार देखिए, विटामिन डी की टैबलेट की तरह दो बार देखिए, तीन बार देखिए, ताकि हर एक बिंदु स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। चलिए, तो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। चर्चा हमारी जारी रहेगी, क्योंकि अभी चर्चा लंबी चलनी है, पूरी अगस्त तक चर्चा चलेगी, बात बनेगी। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद।